अफगानिस्तान में जब से तालिबान राज आया है, ज्यादती की हदें पार हो रही हैं। महिलाओं के खिलाफ लगातार एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में महिलाओं की जिंदगी प्रतिबंधों के बीच चल रही है। तालिबानी हुकूमत ने देश में महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्हें कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने से भी रोक दिया गया है। महिलाओं के काम करने पर भी लगातार बैन लगाया जा रहा है। दुनिया भर में इन प्रतिबंधों की आलोचना की गई। प्रतिबंधों का आलम यह है कि इसके खिलाफ अफगान महिलाएं कड़ाके की ठंड में भी सड़कों पर उतर आई हैं। काबुल के अलावा नंगरहार, ताखर और हेरात में भी प्रदर्शनकारी महिलाओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। लोकतंत्र जो अफगानिस्तान में इस वक्त खत्म सा नजर आता है, वहां के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने भी तालिबान के फरमान के बाद अपनी महिला कर्मचारियों को दफ्तर आने से मना कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दर्जनों महिलाओं ने शनिवार को पश्चिमी हेरात प्रांत में तालिबान के उस आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें महिला स्टूडेंट्स को कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने से प्रतिबंधित किया गया है। सोशल मीडिया पर भी ऐसे कई वीडियोस हैं जिसमें देखा जा सकता है कि महिलाएं प्रांत के चारों तरफ मार्च कर रही हैं। वीडियो में अफगानी महिलाएं नारे लगा रही हैं, शिक्षा हमारा अधिकार है, सभी के लिए हो शिक्षा या किसी के लिए नहीं। दरअसल कुछ दिन पहले ही तालिबान ने फरमान जारी करते हुए महिलाओं के यूनिवर्सिटी जाने पर रोक लगा दी थी। वजह ये दी गई कि महिलाओं ने इस्लामी ड्रेस कोड का पालन नहीं किया। साथ ही यूनिवर्सिटी में महिलाओं को पुरुष स्टूडेंट से बात करते देखा गया। बस इसी के चलते देश के अलग अलग कोने में महिलाओं का विरोध प्रदर्शन देखा गया है। इसके समर्थन में यूनिवर्सिटी के कई लेक्चरर अब तक इस्तीफा भी दे चुके हैं। इस सप्ताह काबुल में विरोध प्रदर्शन के बाद चार महिलाओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तालिबानी लड़ाकों ने तीन पत्रकारों को भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि स्थानीय रिपोर्ट्स की माने तो पत्रकारों को हिरासत में लेना कोई नई बात नहीं है। इसके अलावा भी कई और मौकों पर महिलाओं की स्वतंत्रता पर लगातार तालिबान को कार्रवाई करते देखा गया है। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।